शांति। आज 24 मई 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। प्रश्न है, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर है, नाम रूप की। यह बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं, यही पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव, देह अभिमान को छोड़ते शव। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, वह मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ते हैं, यह चेंज करना है। सर्प का मिसाल, तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाते हैं? बाप, जो सदैव आत्म अभिमानी है, वह कभी देह अभिमानी बनते नहीं। भल एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि यह शरीर तो पराया लोन पर लिया हुआ है। इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता, लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते हैं यह तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर न कहे याद अक्षर कहना ठीक है, याद सिखलाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो, फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है? यह तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि पांच विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है, परंतु यह नहीं शांति कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं। इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन न सके। फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे शास्त्री जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। यह पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, परंतु किसको मालूम नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं,
परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा शाता है ब्राह्मणों के रात और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। अब ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना, यह भी समझाया है। ब्राह्मणों का कुल होता है डिनेस्टी नहीं, ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है, फिर ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव, उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में चह चटा यानी भपका बहुत हो जाता है, कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है, किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं, जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं वही यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथाह धन था। बाप याद दिलाते हैं पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो, सब नहीं लेते है, सिर्फ 84 जन्म। वह फिर कह देते 84 लाख जन्म, कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष का ड्रामा, तो यह हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शोबाबा गाया जाता है, वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाप। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं, जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। अब फिर बाप आते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, किससे? बेहद के बाप से। तो जरूर जीवन बंध में है, पतित है फिर पावन बनना है, यह तो सेकंड की बात है। ज्ञान एक सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो, वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा ही है, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूल कर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर हैं, यह हैं। वास्तव में है आत्मा, आत्मा मिस्टर मिसेज के तन से पाड़ बजाती है, यह भूल जाते हैं, नहीं तो आत्मा ही शरीर से पाड़ बजाती है। कोई क्या बनते हैं? बाप समझाते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया से सतो प्रधान, घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि यह पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी होते नहीं। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यह तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यह बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह यानी परमपिता ही सिखलाएगा, वह तो अभी का है ना। लौकिक बाप को कभी परमपिता नहीं कहेंगे, पारलौकिक को परमपिता कहा जाता है, वह है परमधाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर, वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है, वह सब है मनुष्य मत। अब मनुष्यों को चाहिए ईश्वरीय मत, ईश्वरीय मत श्रीमत। श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, यह प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इनसॉल्वेंट बन जाते हो, बुद्धि इनसॉल्वेंट बन जाती है, तो मनुष्य देवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इनसॉल्वेंट हैं।
बुद्धि को ताला लगा हुआ है, वह लॉक किसने लगाया? गोदरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर वन में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की बहुत महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़े ते बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है, भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सदगति करते हैं। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, जो अभी फिर से बन रहा है। यह उल्टा झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है, उसको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, बाप समझाते हैं, मैं वृक्षपति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बन जाते हैं। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता है? वहाँ तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है, तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो। अभी बाप समझाते हैं, सतो प्रधान बनना है, इसलिए मामे कम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। तुम सभी को यह ज्ञान दे सकते हो, आत्माओं का बाप तो एक ही है, सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भल कहते भी हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा कहती राइट है, सब ब्रदर्स का एक बाप है। वर्षा देना ही है बड़े बाबा को, वह आते भी भारत में है, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब आया था यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से, काम तो तुम्हारा नंबर वन दुश्मन है, रावण को जलाते हैं, परंतु वह है कौन, क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूछते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है, जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली देते हो, उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली देते हो। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कनकन में कह दिया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की ग्लानी करते, कितनी पाप आत्माएं बन गए हो। रावण राज्य है ना, यह भी तुम जानते हो। इस समय सब भक्तियां हैं, सबकी सदगति करने वाला कौन है? सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता है। 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी है संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बनते हैं, वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं, यह भूल है, पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। यह ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल, ब्राह्मणों की डिनेस्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण हो ना, सबसे ऊपर में है शिव बाबा, भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें न ब्राह्मणों की चोटी है न चोटियों यानी ब्राह्मणों का बाप है। अर्थ कुछ नहीं समझते, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते, नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी तो यह कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है, उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, सत्यमेव जयते माना विजय। सब क्षीरखंड हो रहते हैं, लून पानी नहीं होते हैं। रावण राज्य में लून पानी, राम राज्य में क्षीरखंड हो जाते हैं। इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल,
एक दो को पहला नंबर काटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, नाम ही है रावण राज। बाप कहते हैं इन पांच विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो, यह अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, सदगुरु तो एक ही है सदगति करने वाला। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट है सबसे क्षीरखंड होकर रहना है, इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है, आज का वरदान है। बाप की छत्र छाया में सदा मोक्ष का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मोक्ष का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव विश्लेषण है। जहाँ बाप के छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है, छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मोक्ष का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। आज का स्लोगन है जो रामा के रास को नहीं जानता है वही नाराज होता है, जो ड्रामा के रास को नहीं जानता है वही नाराज होता है। अच्छा, ओम शांति।